सिकंदर में हुई एक और बड़ी एंट्री। थ्री इडियट्स वाले इस एक्टर को सिकंदर में किया गया कास्ट। सलमान खान के संग जमेगी जाबड़ जोड़ी। चलिए, इस एक्टर की एंट्री तो हो गई, लेकिन ये एक्टर है कौन और इस एक्टर का फिल्म सिकंदर में किस किस्म का रोल होगा, आइए जानते हैं फटाफट से इस रिपोर्ट को एकदम डिटेल में। दरअसल सलमान खान लंबे वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म सिकंदर को लेकर खूब लाइमलाइट में बने हुए हैं। टाइगर 3 के बाद अब सलमान खान फिल्म सिकंदर में नजर आने वाले हैं। सलमान ने इस फिल्म की शूटिंग बीते दिनों शुरू कर दी थी। पिछले दिनों इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की एंट्री भी हुई और अब इस फिल्म में एक नए एक्टर की एंट्री हो चुकी है, जिन्होंने आमिर खान के साथ स्क्रीन शेयर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर में अब फेमस एक्टर शर्मन जोशी की एंट्री हो गई है। इसमें शर्मन अहम रोल में नजर आएंगे। सिकंदर के जरिए सलमान और शर्मन जोशी पहली बार साथ काम करते हुए नजर आने वाले हैं। अरसे से वो बड़ी फिल्म में देखने को नहीं मिले हैं। अब सिकंदर से जुड़ने के बाद उनके करियर को नई डायरेक्शन मिल सकती है। हालांकि सिकंदर में शर्मन का रोल नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, इस बारे में कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन उनका रोल अहम होगा। फिल्म के लिए वो अहम पार्ट निभाएंगे जो कहानी को नया मोड़ देगी, ऐसा कहा जा रहा है। कुल मिलाकर सलमान के सिकंदर में शर्मन के एंट्री से शर्मन के फैंस तो सुपर लेवल पर एक्साइटेड हो गए हैं और अब ये जानने को बेताब है कि इस फिल्म में शर्मन का रोल कैसा होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सलमान खान के सिकंदर का डायरेक्शन AR मुरुगदास कर रहे हैं, जबकि इसके प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला हैं। सलमान और AR मुरुगदास की इस फिल्म का हिस्सा साउथ की फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना भी हैं। बता दें कि सिकंदर अगले साल यानी कि साल 2025 में ईद के मौके पर रिलीज होगी। आप बताइए, सलमान के सिकंदर में थ्री इडियट्स वाले शर्मन जोशी के अंदाज को देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।